एक बच्चे ने बोला था, मैं कमेंट रीड कर रहा था आपके, तो उसमें बोला था कि सर इतनी स्पीड से क्या ही फायदा है पढ़ने का। तो बेटा स्लो करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी में एक बच्चे ने वहां लिखा भी था, लास्ट ईयर जेई मेंस की जब डेट आई थी ना, प्रयास में 11-11, 12-12 घंटे की क्लासेज आ रही थी, क्योंकि सिलेबस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उस समय तक था कि भाई जेई अटेम्प्ट होएगा नहीं, आराम से चल रहा था। अभी भी पता नहीं कि भाई हम 20 मार्क के चल रहे हैं, मान लो 2-3 तारीख से ही जेई मेंस हो जाए तो हमारे आखिरी के कम्युनिकेशन है, स्क्रू गॉज है, हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इन पे गाज गिर जाएगी। तो मैं नहीं चाहता, हमारे पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट, मैं इतना भी स्पीड अप नहीं करके पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन यस एक स्पीड आप मेंटेन करके रखेंगे बेटा, तो आखिरी में आप ही बोलेंगे कि सर कंपैरेटिवली मैं स्ट्रेस फ्री हूं, सिलेबस कंप्लीट हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। ठीक है, तो जहां बोलोगे वहां पे मेरे को पता है मैं वहां स्लो हो जाता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट ही स्लो चलेंगे, उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। बिलीव मी, आप शायद शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात कर रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात कर रहा हूं, इसमें हमारे में शायद मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, कभी कभार मैं धीरे करूंगा, कभी कभार आप तेज कर लीजिएगा, लेकिन साथ में चलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, चलिए भाई। हाँ, जिनको स्पीड तेज लग रही है बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, आखिरी में तो फिर बहुत तेज लगने वाली है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा, अगर आप लेक्चर प्लानर को देखें, लेक्चर प्लानर को देखें, हम लोग लेक्चर प्लानर फॉलो करते जा रहे हैं। मैं कहीं स्लो नहीं हूं, कहीं तेज नहीं हूं, बिलीव मी। ठीक है, कहीं स्लो नहीं हूं, कहीं तेज नहीं हूं, क्योंकि आपको आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंस लगती है। मैं बहुत प्यार से बताना चाहता हूं उस चीज को। ठीक है, बहुत प्यार से बताना चाहता हूं, बेटा आज आपके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, इसलिए आप कहते हो इसको आराम से पढ़ो, फिर अगला भी वैसी होगा, आराम से पढ़ो, फिर अगला भी वैसी होगा, आराम से पढ़ो। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप उस मोमेंट में ये भूल जाते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, उस मोमेंट में आप ये भूल जाते हैं हमारे पास टाइम कितना है, हमें दिसंबर तक खत्म करना है भाई, 6-7 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है, और उतनी ही डेप्थ से बात करनी है। तो ये लाजमी सी बात है, थोड़ी सी स्पीड रहनी पड़ेगी, कभी हम तेज कभी तुम तेज, ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई होप आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ये आप ही के बेनिफिट के लिए बेटा, ये आप ही के लिए बेनिफिट के लिए। क्रैश कोर्स में, जब क्रैश कोर्स वाला टाइम होता है ना, तो क्रैश कोर्स में हम लोग 1.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा देते हैं, 1.5 महीने, 11th and 12th, इतने ही क्वेश्चन अप्रॉक्स, स्पीड और तेज रहती है, और तेज रहती है। अब क्रैश कोर्स वाला बोले कि नहीं सर मेरे को तो वैसे पढ़ाओ, पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं भाई, नॉर्मल बैच में हम लोगों ने पूरे साल में 11th पढ़ाई है ना, पूरे साल में 12th पढ़ाई है ना, पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्रैश कोर्स वाले बच्चों को भाई आराम आराम से पढ़ाऊंगा, तो उसका फायदा क्या होगा, तुम्हें नहीं पता लगेगा, एंड में तुम बोलोगे सर ये तो करा ही नहीं। हम लोगों को सारी चीजों को समझ के चलना है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका मैं वही कहूंगा, आपको लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं दिसंबर में आप यही चीज के लिए मेरे को थैंक यू बोलोगे कि सर हमारा सिलेबस जितना टाइम मॉडर्न फिजिक्स के लिए लेक्चर प्लानर में लिखा है आपने उतना ही दिया है, जितना मोशन इन 1D में लिखा था उतना ही आपने दिया है। ठीक है, सब चीज को आपने बैलेंस वे में चलाया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब फर्स्ट आपका अटेम्प्ट हो जाएगा ना, सेकेंड अटेम्प्ट में आपके पास 2 महीने का अप्रोक्सीमेटली टाइम रहता है, प्रैक्टिस आप और करके और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फिर से सिलेबस चलने स्टार्ट हो रहा हो, कुछ चैप्टर्स हम फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद करें और बोलें कि सर बेटा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इतना कर ले जाओ। ठीक है, मैं अपने एंड पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ फुल सिलेबस जितना भी हमारा रिक्वायर्ड टाइम है उसको अच्छे से हम लोग करें। क्लियर।